आज मैं क्लास 7 का न्यू काउंटडाउन करवाऊंगी, सेकंड एडिशन, ठीक है। इसकी यूनिट नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैं ये करवा रही हूँ यूनिट नंबर 2, 2 का 2A, ठीक है। 2A का भी पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जिनको नहीं आ रही समझ, वो मेरी पास्ट वीडियोस देखें, उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि आपने इनको सिंपल नंबर्स में लिखने, किस में लिखना है, आपने इनको सिंपल नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 7/1, 7 को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा, 7, इनफ आंसर आ गया। नंबर 2 सॉल्व करें, -5/1, -5/1 दोनों को डिवाइड करेंगे, -5 ही आंसर आएगा। 3 वाला -9/1, -9/1 दोनों को डिवाइड करें, -9 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है -21/-1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 21 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं राइट डाउन द रैशनल नंबर, आपने रैशनल नंबर लिखना है हुज न्यूमिनेटर इज़ -7/2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21-2। तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा, उन्होंने हमें कहा है कि उसका न्यूमिनेटर है -7/2 और डिनोमिनेटर नेटर है 21-2। अच्छा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपको पता है, आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं। डिनोमिनेटर्स मीन्स कि आप डिवीजन में लिखोगे, डिनोमिनेटर्स मीन आप इसको नीचे लिखोगे डाउन, न्यूमिनेटर मीन आप अप, -7/2। इनको सॉल्व भी करना है, 7 2s are 14, -14, इसके साथ प्लस का साइन है 21 के सामने, साइन हमेशा सामने होता है, पीछे नहीं होता, ठीक है। ये एक बार मैं फिर से बता दूँ, साइन हमेशा वैल्यूज़ के सामने होते हैं, पीछे नहीं होता, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। अच्छा, 21-2, 21 20 19 19 आंसर आएगा, साइन हमेशा बिग वैल्यू का आता है, मल्टीप्लाई में जो भी साइन हो वही आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं इसमें हमेशा बिग वैल्यू का साइन आता है, बिग वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसीलिए प्लस का साइन आया। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़ 15-4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 37/-2। हाँ जी, वो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं न्यूमिरेटर है 15-4 एंड डिनोमिनेटर इज़ 37/-2, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन डिनोमिनेटर कहाँ आता है, नीचे लिखते होते हैं हमेशा और न्यूमिनेटर ऊपर लिखते होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँ, लोगों को बताऊं कि इनको करना क्या है। आपने 37 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 74। मैंने आपको कहा है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा साइन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस, और इसके साथ प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 15-4 करेंगे 11 आंसर आएगा। साइन हमेशा बिग वैल्यू का आता है, बिग वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है वो मैं आप पर छोड़ देती हूँ, वो पार्ट आपने खुद करके दिखाना है मुझे, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर ना आए समझ, सॉल्व ना हो रहा हो तो आपने फिर मुझे बताना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।